Hello everyone, welcome to this YouTube channel. And today in this session, we are going to study an important chapter of class 10, that is chapter number 1, Chemical Reactions and Equations. So, बिफोर स्टार्टिंग की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारे आसपास, हमारे स्कूल में, हमारे घर या हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, वहाँ पर टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस किस टाइप के होते हैं और उन चेंजेस में क्या होता है, जैसे किसी का कलर चेंज हो गया, ठीक है, कोई चीज़ टूट के बिखर गई, कोई चीज़ जैसी पहले थी वैसी नहीं रही, ठीक है, या टेम्परेचर में बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और ये चेंजेस किस तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करा देती हूँ। तो फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द चेंजेस अराउंड अस अंडरगोस वेरियस चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ चेंजेस उनके अंदर आते रहते हैं। तो कुछ चेंजेस हमारे ऐसे होते हैं कि वो चेंजेस टेम्परेरी होते हैं, यानी कि वो जो चेंजेस हैं वो सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए हमारे पास आते हैं, ठीक है, या थोड़े ही टाइम के लिए वो चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोस वेरियस चेंजेस, सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परेरी विद नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्मड एंड दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। अच्छा, तो इस फिजिकल चेंजेस का मैं क्या एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि भाई एक पेपर था मेरे पास, ठीक है, ये कोई पेपर मैंने ले रखा। अब इस पेपर को मैंने ऐसे स्क्वीज कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, मतलब कुछ भी मैंने ऐसे करके इसको बंद कर दिया। फिर अब ये क्या हुआ, क्या ये पेपर पहले की तरह सीधा है? नहीं। क्या हुआ, इसके अंदर जो इसकी शेप है, पहले जो रेक्टेंगुलर जो इसकी शेप थी, अब वो शेप कैसी हो गई है, बिल्कुल अलग ही हो गई, ठीक है, थोड़ी मतलब बेकार सी, अनसिमेट्रिकल सी इसकी शेप हो गई है। लेकिन अब वो चेंज तो मैंने कर दिया कि भाई शेप में मैंने चेंज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने पेपर को फिर से खोल दिया, पेपर को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट खोल दिया, तो पेपर क्या हुआ, वो वापस से बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है, पेपर कैसे फोल्ड कर देने से हमें क्या समझ आता है कि भाई ये जो हमारा चेंज था वो टेम्परेरी था। टेम्परेरी से क्या मतलब है कि सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए वो चेंज हमारा हुआ था और वो चेंज वापस से फिर पहले जैसा हो गया। इट मीन जैसा पेपर पहले था वो पहले बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कुछ चेंजेस हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो एकदम से बदल के रख देते हैं, यानी कि अब जो भी चीज़ चेंज हुई है वो वापस पहले जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर होता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। भाई मेरे पास एक पेपर था, ठीक है, अब इस पेपर को मैंने जला दिया, ठीक है, इस पेपर को मैंने क्या करा, जला दिया। तो जलाने के बाद क्या होता है कि भाई अब पेपर क्या पहले जैसा कभी बन सकता है? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज पहले जो मेरा पेपर था अब वो जलने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, एशेज में कन्वर्ट हो गया, किसमें, एशेज बन गया, कि राख बन गया। तो क्या मैं उसको पहले की तरह कर सकती हूँ? नहीं। तो पेपर में जो बदलाव आया कुछ प्रोसेस करने के बाद, क्या वो बदलाव पहले जैसा ये हो सकता है पेपर? नहीं। तो ये जो मेरा चेंज हुआ ये परमानेंट चेंज हो गया। कैसा चेंज हुआ? ये परमानेंट चेंज। और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, यानी कि परमानेंट चेंज हो जाना, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, अब आते हैं हम चैप्टर के, चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो लेट्स गेट टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शन। कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, रिएक्शन। तो हमने देखा कि भाई मेरे पास, अच्छा बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं, कलर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक रेड कलर था, एक मेरे पास येलो कलर था। अब मैंने क्या किया, उन दोनों को एक कंटेनर में डाल के मिक्स करा, ठीक है। तो मिक्स कराने के बाद अब मेरे पास एक नया कलर बना, सपोज ब्राउन कलर बना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई वो रेड था, येलो था, बिल्कुल दोनों डिफरेंट कलर थे, उनको मिक्स किया मैंने, ब्राउन कलर बन गया, और ब्राउन कलर इन दोनों से डिफरेंट है। तो केमिकल रिएक्शन सेज दैट कि अगर किसी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को अगर मैं एक साथ मिला देती हूँ,
दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को अगर मैं एक साथ मिला देती हूँ तो जो नया प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच नहीं करती, तो इस तरह का जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जब कुछ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाया और कुछ नया बन गया और उस नई की जो प्रॉपर्टी है वो पुराने से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया, समझ आ गया, तो एक एग्जांपल ये समझ लेते हैं। पहले दो वर्ड आते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट, तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज मैंने माना कि भाई मेरे पास ये कोई रिएक्शन थी कि एक ए कंपाउंड था और एक मेरे पास बी कंपाउंड था, एक ए कंपाउंड था दूसरा बी कंपाउंड था, इन दोनों ने मिल करके एक नया कंपाउंड बना दिया ए, तो ये कोई मिक्सचर, ये कोई एलिमेंट, कुछ भी सब्सटेंस ले लो, इसने मिल करके ए बी प्रोडक्ट बना दिया। तो जो भी चीज़ मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, यानी कि जो चीज़ें मेरी मिक्स हुई हैं, जो चीज़ें मिक्स हुई हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जो ये इधर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमारी मिक्स हुई है उनको रिएक्टेंट बोलेंगे और जो फाइनली फॉर्म हुआ है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ओके, अब केमिकल रिएक्शंस के बाद एक और टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? भाई मैंने आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस ये इस कंटेनर में एक था, इसमें एक था, मैंने दोनों को एक कंटेनर मिला, कुछ नया सब्सटेंस बन गया। अच्छा, तो ये तो रिएक्शन मैंने कर दी, जो भी मेरे पास इक्विपमेंट है परफॉर्म कर दी, प्रोसेस हो गया। बट इस प्रोसेस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूँ किसी पेपर पे, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं लिख करके रिप्रेजेंट कर दूँ, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। यदि आपको केमिकल इक्वेशन बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम केमिकल इक्वेशन की। सो अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला वेयर एन द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट एंटिटीज आर ऑन दी राइट हैंड साइड। मैंने आपको क्या बताया कि भाई इक्वेशन क्या होती है कि प्रोसेस हमारा हो गया, हमने ये चीज़ मिला, इसमें मिला, ये बन गया हमारा, ठीक है, लेकिन उसको हम सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं ताकि कोई और भी आए तो वो भी हमारा प्रोसेस ईजिली समझ जाए कि भाई हमने क्या क्या मिला, क्या प्रॉपर्टी हमारी नहीं बनी। तो ये जो होता है यानी कि सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन करना, उसको लिख करके दिखा देना कि कुछ फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हुए, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ओके, एग्जांपल के लिए समझिए कि एक कंटेनर में मेरे पास एमजी था, दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन था, मिक्स करके इन्होंने बनाया एमजीओ, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब इसको मुझे लिख करके दिखाना है ताकि भी कोई और भी आए वो भी मेरा प्रोसेस समझ ले। ठीक है, तो लिख करके मैंने दिखाया 2Mg + O2 gives 2MgO। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होती है जो है क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड हो, इस बात का क्या मतलब है? तो वो पढ़, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हम कहते हैं कि जितना रिएक्टेंट साइड, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जितने चीज़ें मिक्स हुई हैं, जो सब्सटेंस मिक्स हुए हैं, कोई एलिमेंट हो, कोई कंपाउंड हो, जो भी कुछ मिक्स हुआ हो, ठीक है, वो और प्रोडक्ट पर जितना बना हो, ठीक है नया, तो वो दोनों बैलेंस होने चाहिए, कि बराबर होने चाहिए। इसका इस बात का मतलब ये है कि भाई जितने एटम मेरे रिएक्टेंट साइड हो उतने ही एटम मेरे प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए। तो देखो, इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि भाई एम जी के दो एलिमेंट यहाँ पर लिए हमने, ऑक्सीजन के दो लिए, ठीक है, प्रोडक्ट में देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, 2Mg 2, ठीक है, यानी कि देखो अगर मैं काउंट करूँ भाई 2Mg 2 2, ठीक है, और यहाँ पर भी 2Mg 2,
ये जो टू है ना जो मल्टीप्लाई में आता है दोनों, यानी कि ये इसके लिए भी यूज होगा और ये इसके लिए भी यूज होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन। तो इट मीन्स हमें समझ आ गया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि जो रिएक्टेड साइड पर कितने एलिमेंट है और या कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड पर कितने फॉर्म हुए हैं, वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइजेस कि भाई बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भाई बैलेंस करना, हम ऐसे डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे कि भाई सिंपल MgO2 गिव्स MgO, तो हमने बैलेंस क्यों किया, बिकॉज हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या है वो, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो ये लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखो इसका चीज़ का सीधा मतलब ये होता है कि भाई रिएक्टेंट का जितना मास होगा, इन एलिमेंट्स का जितना मास होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा मेरा तो मास तो मेरा रिजर्व रहेगा ना, मास की जो है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, मास विल रिमेन सेम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कि भाई रिएक्शंस जो है वो कितने टाइप की होती है ना, भाई हम अपने आसपास देखते हैं बहुत अलग अलग टाइप के जो चीज़ चेंजेस होते हैं, तो उसमें किस किस तरह की जो है वो रिएक्शंस काम करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।